कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मामा जीएसटी क्या होता है। अब मैंने सोचा कि मैं बहुत सिंपल तरह से उसे बताऊं, और मैंने उसको कुछ यूं समझाया कि मान लो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें पता है कि क्लास में सारे बच्चों को तुम्हें जाके चॉकलेट देनी है, तो डैडी एक रात पहले ही चॉकलेट का पैकेट लाए हैं। दूसरे दिन डैडी तुम्हें लेके घर से बाहर निकले स्कूल जाने के लिए, लेकिन पड़ोस की रश्मि आंटी तुम्हें मिल गई, उनका बेटा टिंकू तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है। रश्मि आंटी ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के उन्हें दे दी, साथ में टिंकू को भी एक चॉकलेट थमा दी। अब तुम दोनों स्कूल पहुंचे, डैडी ने स्कूल में छोड़ा और जाते समय हैप्पी बर्थडे बोलकर निकल गए। स्कूल के गार्ड ने यह बात सुन ली, उसने फट से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के गार्ड को दे दी। अब तुम स्कूल के अंदर पहुंचे, टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सबको दो दो चॉकलेट्स दोगे। तुमने सबको दो दो चॉकलेट्स दे दी, साथ में टिंकू को भी दोबारा चॉकलेट मिल गई, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गौरव आज एब्सेंट था, और स्कूल का रूल कुछ इस तरह से है कि अगर उसने छुट्टी की है तो उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब यूं समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे जो है वो तुम्हारा बिजनेस है, और ये जो चॉकलेट्स हैं ये टैक्सेस हैं। रश्मि आंटी को तुमने लोकल टैक्स दिया, स्कूल के गार्ड को तुमने एंट्री टैक्स दिया, सारे बच्चों को तुमने दिया सर्विस टैक्स, और ये जो टिंकू है उसको सरचार्ज भी मिला, लेकिन गौरव उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे मौजूदा टैक्सेस। अब जीएसटी क्या है? यूं समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया रूल निकाला कि आज के बाद जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो चॉकलेट का एक पैकेट सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में जाके दे देगा। फिर ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चॉकलेट्स सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बांटे। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो वो चॉकलेट बराबर सबको मिलती है, और इसमें चॉकलेट बांटने का जो समय होता है वो भी बच जाता है। जीएसटी यही है बस। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विभागों में अलग अलग टैक्स देने की जगह एक ही जगह पर एक ही टैक्स दो। अब कितना अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इसमें किसी टिंकू का नुकसान होता है इसीलिए वो विरोध करता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा ही है। अब समझ गए जीएसटी क्या होता है? अगर अभी भी नहीं समझे तो चॉकलेट खाओ, खुद जान जाओ।